भूतिया कुत्ता हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जिस भयानक घटना हॉरिबल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह घटना कुछ सालों पहले मेरे मामा के साथ हुई थी। अब मैं आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। मेरे मामा एक रात को अपना काम करके देर से घर लौट रहे थे। आमतौर पर मेरे मामा हर रोज रात को घर जल्दी आ जाते थे, लेकिन एक रात को कुछ काम होने की वजह से वे देर से घर लौट रहे थे। मेरे मामा ने फोन करके हमको बता दिया था कि आज वे रात को देर से घर लौटने वाले हैं। जब मेरे मामा रास्ते में घर की ओर आ रहे थे, तब उन्हें अचानक एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। फिर मेरे मामा ने उस कुत्ते को नजरअंदाज किया और वे सोचने लगे कि शायद यह एक आवारा कुत्ता होगा, लेकिन तभी मेरे मामा का माथा ठनका कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी अंधेरी रात में आखिर वह कुत्ता मेरे मामा का पीछा क्यों कर रहा था, और वो भी बड़े ही अजीब तरीके से। जब उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वह कुत्ता उन्हें गुस्से भरी शैतानी निगाहों से देख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आज वो कुत्ता उनकी जान लेकर ही रहेगा। अचानक से वह कुत्ता मेरे मामा की तरफ आया और उन्हें देखकर गुस्से से उन पर भौंकने लगा। उस कुत्ते ने मेरे मामा की शर्ट और पैंट पकड़ ली और उन्हें खींचने लगा। मेरे मामा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे साईं बाबा का नाम लेने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह कुत्ता वहां पर नहीं था, वह वहां से गायब हो चुका था। जब तक मेरे मामा घर पर नहीं पहुंचे, तब तक वे साईं बाबा का नाम लेते रहे। जब घर वालों ने उनसे खरोंचों के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे रास्ते में गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई, ताकि वह घर वालों की डांट खाने से बच जाए। इसके कई सालों बाद मेरे मामा ने इस घटना के बारे में बताया कि किस तरह एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया था और उन्होंने किस तरह उस कुत्ते से अपनी जान बचाई।